स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। बंसी प्राणं नमो भगवते।
धात्री गतिस्त्वं गतिस्त्वं
ईश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्तवान चकलप तरु तड़ी द्युति विनिंदित
पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय बंधुवर्ग, मातृशक्तियों एवं कथानुरागी बंधुओं, आइए आपको ले चलते हैं उस पुनीत प्रसंग की ओर, जिस पुनीत प्रसंग में जिसने भी गोता लगाया उसकी जिंदगी अमर हो गई। अमरनाथ की गाथा आप गाते हैं, क्यों गा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वो लोग? क्योंकि वहां अमर कथा सुनाई गई थी। और ये ध्यान रखना मेरी भाई बहन, वही जगह पवित्र होती है, वही जगह तीर्थ कहलाती है। कौन सी जगह? जहां कोई संत बैठ जाता है, चाहे वो हरिद्वार है, चाहे वो वृंदावन है, चाहे वो नासिक है, चाहे उज्जैन है, अरे क्यों ना अपना अग्रवा धाम भी है। जहां पर कोई ऋषि बैठा होगा वही जगह तीर्थ कहलाती, क्योंकि तीर्थ ही कुर्वंती तीर्थानि, ये चलते फिरते तीर्थ होते हैं संत। मेरे भाई, उदाहरण के तौर पर यदि वर्तमान का उदाहरण देऊं तो बाबा रामदेव, ये चलता फिरता तीर्थ है। जहां पर भी गया उसी जगह को तीर्थ बना दिया, जिस समाज में बैठा उसी को स्वस्थ बना दिया। इसलिए ये जो कथा आप सुनने जा रहे हैं इसमें भी भगवान ने अपने संतों की महिमा को गाया है। भागवत की शुरुआत में ही, महात्म्य में ही तीन संतों का पदार्पण है। पहला प्रसंग आत्मदेव का है, जो सदग्रस्तों से मेल खाता है, जिसको बेटा ना होता हो, बेटियां ना होती हो, धन नहीं आ रहा हो, परेशानियों में जूझ रहा हो, वो भी यदि इसकी शरण में आ गया, संत के सानिध्य में आ गया, अरे क्यों ना वो प्रेत भी बन गया हो, भाई यहां तक कहा है, तो उसकी भी मुक्ति। दूसरा, जहां भक्ति करने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में शांति ना हो, भक्ति के आने के बावजूद भी जहां तुम्हारी वृत्ति शांत ना हुई हो, तो उस भक्ति का फायदा ही क्या? अरे भाई, ज्ञान और वैराग्य के रहते हुए भी यदि भक्ति को शांति नहीं है तो वो भक्ति भक्ति नहीं, वो मां मां नहीं, जिसके कहां कोई बेटा बेटी ना, वो तो बांझ कहलाती है। और जिस बेटा बेटी के ऊपर मां बाप का साया ना हो वो अनाथ कहलाता है। और उनको सनाथ बनाने के लिए यदि वहां महापुरुष का पदार्पण हुआ है तो वहां महापुरुष ने जो उसको चाहिए था वो ला करके प्रदान किया है। उसका नाम है देवीशिनाथ। और तीसरा प्रसंग ये है कि तुम पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते स्वाहा स्वाहा करते करते पूरी जिंदगी बिता देना, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भगवान तब तक दिखाई नहीं देंगे जब तक कोई संत नहीं आएगा। यह उदाहरण है नैमिषारण्य का, जहां 88,000 ऋषि बैठे हैं, हजारों वर्ष का सत्र चल रहा है, लेकिन हजारों वर्ष के यज्ञ सत्र के चलते हुए भी उनको शांति नहीं मिली। अब पुकार रहे हैं वहां नैमिषारण्य जंगल में बैठे हुए ऋषि, हे परमात्मा, हे जगदात्मा, ऐसा कौन सा अधूरापन है हमारे अंदर
जो इतने वर्षों के यज्ञ तप करते हुए भी हमें शांति प्राप्त नहीं हो रही। तब उन्होंने पुकारा है उसके दरवाजे पर बैठकर, ठाकुर हमने तो यही सोच के इस दरवाजे पर कदम रखा था, यहां पर आए थे कि यहां से कोई खाली नहीं लौटता, लेकिन हम खाली क्यों बैठे? आपके दरवाजे पर आने तो खाली नहीं लौटना चाहिए ठाकुर, आपके दरवाजे पर आने वाले की तो प्यास बुझती है ठाकुर, लेकिन हम अधूरे के अधूरे बैठे हैं। और जब उन्होंने बैठ करके पुकारा, क्या ये हे मेरे ठाकुर, जब तुम एक हाथी के ऊपर कृपा कर सकते हो, एक बंदर के ऊपर कृपा कर सकते हो, हम तो तुम्हारे अंश हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाश, तुम ईश्वर के अंश हो। लेकिन जब तक परमात्मा की सन्निधि में नहीं जाओगे, तुम नर के रहते हुए भी पशु के समान हो। नर और नारायण का जोड़ा है भाई, कैसे? जैसे पति और पत्नी का। अब देख लो पति और पत्नी में कितनी दूरी होती है, अब तुम जानो ही बात। उनका शरीर भी एक हो जाता है, उनका मन भी एक हो जाता है, उनकी आत्मा भी एक हो जाती है। और जब दोनों एक हो जाते हैं, तभी बीच से एक बेटा या बिटिया निकलती है, अर्थात वंश वृद्धि होती है ना। ठीक इसी तरह जब तुम नारायण के नजदीक चले जाओगे, जैसे पति और पत्नी आपस में मिल जाते हैं, ठीक इसी तरह तुम भी यदि नारायण के नजदीक चले जाओगे, उसमें से बीच में से एक चीज निकलेगी जिसका नाम है ज्ञान, एक बेटा निकलेगा। यदि श्रद्धा तुम्हारी जिंदगी में आ गई और विश्वास बोलने लग गया, तो श्रद्धा और विश्वास के रहते हुए तीसरी चीज निकलेगी ज्ञान, अर्थात गणपति। और जहां गणपति आ गया, वहां पहली पूजा, मां बाप से भी पहले पूजा। और यही तुम्हारे अंदर से वो ज्ञान निकालने के लिए, तुम्हारी तीसरी आंख खोलने के लिए ये भागवत तुम्हारे बीच में आई, ये रामायण तुम्हारे बीच में आई, ये गीता तुम्हारे बीच में आई, ये संत तुम्हारे बीच में आए। सच मेरे भाई, लेकिन वो तभी संभव है कि जब तुम अपनी जिंदगी के किनारे पर किसी संत को बैठा लोगे। तब अन्यथा दिन रात किताबी कीड़े बने रहो, तुम दुनिया भर की डिग्रियां हासिल कर लो तुम, लेकिन केवल अपनी उदरपूर्ति तक, अपने परिवार तक, अपने समाज तक, वहीं तक दौड़ है। विवेक तो है, लेकिन विवेक का अधिष्ठित बुद्धि नहीं है। जिस दिन जिंदगी में विवेकाधिष्ठित बुद्धि आ गई, उसी दिन जीवन खिल गए, उसी दिन तुम खुल गए। और जिस दिन तुम खुल गए, उसी दिन महकना शुरू हो गई। जब तक खुलोगे नहीं, तुम खिलोगे नहीं, और जब तक खिलोगे नहीं, तब तक महकोगे नहीं। फूल जब तक बंद रहता है, तब तक कौन सी खुशबू है उसके अंदर? नहीं है भाई, खुशबू तब है जब वो खुलता है, खिलता है और फिर महकता है, और लोग उसे पसंद करते हैं। फिर ठीक इसी तरह लोग तुम्हें भी पसंद करेंगे, तुम भी खुलो परमात्मा के साथ मिलकर, और खिलो परमात्मा के साथ मिलकर। और यदि उसके साथ मिले रहे, तो तुम भी महक जाओगे। फिर वही उदाहरण देता हूं बाबा रामदेव की तरह, जिधर वो जाता है उधर की उसका चमन महकने लगता है, उधर की धरती महकने लगती है, उधर की धरती भी बाहर आ जाती है। इसलिए आप लोगों को भी कहता हूं, आओ आज वही महापुरुष आकर के तुम्हारे बीच में फिर बोल रहे हैं। ये भी एक अरण्य है, अग्रवा धाम भी किसी समय जंगल ही था, और वो नैमिषारण्य था, या अग्रवा धाम रूपी अरण्य रहा है कभी,
आप भी उसी जंगल में बैठे हो। ये भी तप की भूमि है, इसको भी तप के लिए ही चुना गया है। और दूसरी बात पुरुषोत्तम मास, और तीसरी बात भागवत का ये संगम, जहां तीन नदियों का मिलन है, यहां जहां तीन नदियां मिलती हैं उसको तो प्रयागराज कहते हो आप। दो नदियों का जहां मिलन हो उसको कहते हैं क्या? प्रयाग। क्या कहते हो? और जहां तीन नदियां मिल जाए वो प्रयागराज। बद्रीनाथ कभी गए हो तो बीच बीच में अगर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, क्योंकि वहां दो नदियों का मिलन है आपस में, ये भी प्रयागराज है। क्योंकि लीलाएं हुई है यमुना के तट पर, इसको लिखा गया मां सरस्वती के तट पर, और इसको गाया गया मां गंगा के तट पर। और जहां तीन नदियां मिल रही हो गया ना प्रयागराज वहां। क्या फिर प्रयागराज में स्नान करते हो ना आप? क्यों आओ स्नान करे नहाओगे पक्का? क्या झूठ बोल रहे हो? नहाने का मतलब ये नहीं है क्या कि दूसरे को देखो कि वो नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है? नहाने का मतलब ये अंदर का स्नान है, वो बाहर का स्नान है। वो नदियां तन को शुद्ध करती हैं, लेकिन ये नदी मन को शुद्ध करती है। और बाहरी शांति जरूरी नहीं है, बाहरी शीतलता जरूरी नहीं है। कब तक? जब तक अंदर की शांति ना हो। दूसरी बात, उस मां गंगा को भोले बाबा ने अपनी जटाओं में धारण किया है, और इस भागवत भागीरथी को भोले बाबा ने अपने मन में धारण किया है। वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, और ये भगवान विष्णु के मुख से निकली है। इसलिए पहला ही नमन भगवान को, लेकिन फिर कह रहा हूं भगवान को नमन किया है दो लाइनों में, और दूसरा नमन है संत को, वो चार लाइन, जिसके पीछे भगवान भी भाग रहे। और रामायण पढ़ रही हो तो सातवीं सीढ़ी पे चले जाओ, वहां लिखा कि उस समय भक्ति की नींव पक्की समझना कब, कि मोहते अधिक संत कर लेखा। जब मुझसे ज्यादा संत को मांगोगे, भगवान ने कही अपने मुख से, रामायण यदि पढ़ते हो तो आप नवदा भक्ति का जहां उपदेश कर रहे हैं प्रभु, वहां सातवीं भक्ति बता रहे हैं। मोते अधिक संत कर लेखा, सोच लेना तुम्हारी नींव पक्की होने लगी है, और सात पीढ़ियां चढ़ने के बाद भी यदि संत के प्रति तुम्हारा समर्पण नहीं है, तुम कच्चे हो। और फिर कच्ची नींव के ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ो, खतरा ही खतरा। इसलिए नींव पक्की रखो। तो आइए उस नींव को मजबूत करने के लिए पूछे उस भगवान से कि हमसे ही तुम कर्म करवा रहे हो, क्या खुद भी कुछ करते हो? क्यों भाई, हमें ही लगा रखा कि तुम भी कुछ करते हो। भगवान कहते हैं तुमसे ज्यादा करता हूं। तो चले कहां? भगवान की महिमा को जानने के लिए, उसके अंदर गोता लगाने के लिए। तो आओ चले। और कोई भी चीज आप लेने के लिए जाते हो, उसको ठोक पीट के देख लेते हो, भाई कच्ची के पक्की हाँ? क्या है? अरे छोड़िए और बातों को, यदि अपने लड़के के लिए लड़की भी देखने जाते हो तो जाते हैं खुद। आजकल तो लड़का ही देखने लग गया कि मैं देखूंगा कि सुंदर है कि नहीं है। माँ बाप की तो बात छोड़ो, लेकिन यदि माँ बाप भी देखने के लिए जाते थे
तीन चीजें देखते हैं, ध्यान दीजिए आप, वो सुंदर है या नहीं, उसको कुछ कामकाज भी करना आता है या नहीं, तीसरा उसका स्वभाव कैसा है, कहीं लड़ोगड़ी तो नहीं, तीन चीज। आओ जब भौतिकता में ये बातें हैं ताओ भगवान की तरफ जा चल रहे हैं, हम भी देखें क्या वो सुंदर है, क्या कुछ कामकाज करते हैं और उनका स्वभाव कैसा है। पहला श्लोक, यदि बोलना आता हो तो बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका रूप है ये, क्या वो सत है, और सत उसे कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो। हमारे और आपके रूप का तो विनाश हो जाता है, लेकिन यहां त्रिकालवादी सत्य है, हम जैसे पहले थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो आगे जाकर नहीं रहेंगे, हम तो निरंतर बदल रहे हैं, लेकिन मेरा ठाकुर बिल्कुल भी नहीं बदल रहा, वो तो वैसे का वैसा ही है। जैसे आकाश, न जाने कितने ताराएं यहां आते हैं, कितने सूर्य यहां आते हैं, कितने चंद्रमा यहां आते हैं, कितने बादल यहां आते हैं, लेकिन आने वाले बादल बनकर चले जाते हैं, आने वाले तारे निकल करके छिप जाते हैं, सूर्य छिप जाते हैं, चंद्रमा छिप जाते हैं, लेकिन आकाश तो वैसे का वैसा ही ठीक इसी तरह। ठाकुर का स्वरूप है सत्य स्वरूप, जिसका कभी कहीं भी कोई भी अभाव नहीं है, ना भावो विद्यते सतः, गीता का सूत्र है, कभी अभाव नहीं है उसका। दूसरा, केवल सच नहीं है और सच जड़ नहीं है, तो वो चेतन भी है। कैसे, जैसे ये माइक, माइक जानते भाई ठीक है दिख रहा है सच है, लेकिन यदि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर ना हो तो क्या मान लेंगे ये सच है, लगेगा कि खाली ड्रामा है। ठीक इसी तरह ठाकुर केवल सच नहीं है, वो चेतन भी है, और केवल चेतन ही नहीं है, वो आनंद स्वरूप है भी है, तुम्हारे पास भी है वो, लेकिन फीका है तुम्हारे पास, लेकिन थोड़ी देर के लिए टिकाऊ है तुम्हारा आनंद, हाँ थोड़ी देर तो देखते हैं कि घर में खुशी आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर देखते हैं परेशानी खड़ी हो गई, है तुम्हारे पास लेकिन फीका। परमानेंट सॉल्यूशन यदि चाहते हो, परमानेंट यदि आनंद में डुबकी लगाना चाहते हो, आओ मिलो मेरे ठाकुर से, जहां कभी आनंद का कोई अभाव है ही नहीं। इसलिए ठाकुर तीनों रूपों में ही दुनिया के सामने आते हैं, वो सत रूप में भी आते हैं, कभी सत तत्व की प्रधानता को लेकर के आते हैं राम रूप में, कभी चित तत्व की प्रधानता को रूप लेकर के आते हैं, चित माने क्या, दत्ता अवतार के रूप में, कपिला अवतार के रूप में, हंसा अवतार के रूप में, और कभी आनंद का रूप लेकर के आते हैं, जैसे श्री कृष्णा के रूप में, हमारे गोविंद के रूप में। इसलिए ये सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप,
इन्हीं तीन वाक्यों से तीन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। सत्तत्व के रूप में महालक्ष्मी जी जागरो अधा में बैठे हुआ, ये सत्तत्व की प्रधानता का स्वरूप है। चित तत्व की प्रधानता का रूप है मां सरस्वती, और आनंद तत्व की प्रधानता का स्वरूप है राधा रानी। तीनों शक्तियों का रूप लेकर के, एक सत्तत्व की प्रधानता को लेकर के, एक चित तत्व की प्रधानता को लेकर के, और एक आनंद तत्व की प्रधानता को लेकर। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, तीन ही इंसान के कर्म होते हैं, क्रिया विचार और भाव। क्रिया सत के रूप में होती है, विचार चित के रूप में होता है, और भाव आनंद के रूप में होता है। इसलिए क्रिया के रूप में हाथ, ध्यान दीजिएगा, विचार के रूप में मस्तिष्क, और भाव के रूप में हृदय। तो आओ तीनों चीजों से प्रणाम करें, क्रिया विचार और भाव, और इन्हीं तीनों का नाम है श्रद्धा। जाना तो आओ तीनों चीजों से प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों चीजों से प्रणाम, क्रिया विचार और भाव। इसलिए यहां तीनों के रूप में प्रणम्य है भगवान। क्या वो काम भी करते हैं? हां करते हैं। क्या इस दुनिया को बनाते हैं, इस दुनिया को चलाते हैं, और इस दुनिया को वापस अपने अंदर मिला भी लेते हैं। ये तीन काम है उसके। फिर उनका स्वभाव कैसा है कि तुम उसको चाहो ना चाहो, लेकिन वो तुम्हें चाहते हैं। क्या तुम उसे चाहो ना चाहो, वो तुम्हें चाहते हैं। इसलिए वो तुम्हारे पिता हैं, इसलिए वो तुम्हारे माँ है। इसलिए किसी भी मंदिर में खड़े हो, किसी भी मस्जिद में खड़े हो, किसी भी द्वार गुरुद्वारे में खड़े हो, कहीं पर खड़े हो, इंसान गुनगुनाता है क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसलिए पहला नमन मां बाप को करने के लिए कहा है, सबसे पहले पहला नमन। गाँव तो थोड़ा मेरा गले में गड़बड़ है भाई, लेकिन गाऊंगा क्योंकि रुका जाता नहीं भाई। कर ले मां को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले मां को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले मां को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले मां को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में
मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। के रूप में, एक माँ के रूप में, जो तुम्हारे अंदर रहते हैं, बाहर नहीं है, वो तुम्हारे घर में ही रहते हैं भाई। ये कह कर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। हरि बोल। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम।
सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता, नहीं मिलेंगे माता पिता, नहीं मिलेंगे माता पिता। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहेंगे तेरा भला, इनके ही चरणों में मिलेगा विस्तार। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। इसलिए यहाँ श्री कृष्णाय वयम नु में बोला गया, यहां केवल अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं है, श्री सहित कृष्ण को प्रणाम। यहां अकेले कृष्ण को प्रणाम होता तो वे केवल कृष्णाय वयम नुम होता, यहां अकेले प्रणाम नहीं है, यहां तो श्री माने राधा सहित कृष्ण को प्रणाम। और ये प्रणाम मात्र दो लाइनों में, लेकिन इसलिए अगला ही जो प्रणाम है चार लाइन, वो एक संत को प्रणाम। इसलिए प्रणाम की महिमा बहुत बड़ी है रे। यहां तो सातवीं आठवीं में श्लोक आता था, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः चत्वारिदश्च वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलवत्। एक नहीं चार चीजें बढ़ती, अगला तुम्हें चाहे ना चाहे, दुलार करे ना करे, लेकिन यदि तीन चीजों का समर्पण है तुम्हारा, क्रिया के रूप में समर्पण है, विचार के रूप में समर्पण है, और भाव के रूप में समर्पण है, तो अंदर से आत्मा आवाज देती है, क्योंकि वही तो असली मां है, वही तो असली बाप है, वो आशा। इसलिए प्रभु राम ने सेतुबंध रामेश्वर के ऊपर जब भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, उसमें पंडित रूप में रावण को बुलाया। किसको बुलाया? रावण को। यद्यपि विरोध किया जामवंत आदि ने, सुग्रीव आदि ने, लक्ष्मण आदि ने, सबने विरोध किया, कहा प्रभु आप शत्रु को बुला रहे, वो शत्रु क्या देगा? वो शत्रु हमें विजय का आशीर्वाद देगा? प्रभु राम ने कहा हां देगा। क्यों? क्योंकि एक शत्रु के पास नहीं जा रहे हम, एक ब्राह्मण के पास जा रहे हैं।
ब्राह्मण से पूजा करवाने जा रहे हैं, इसलिए जाइए लखन बुला करके लेकर के आइए। लखन गया तो सही, लेकिन मन मार करके गया, मन में खुशी नहीं थी। और जब लखन वहां पहुंचा रावण के पास, तो रावण चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था, और जब गया तो चरणों की तरफ नहीं खड़ा हुआ, कौन? लखन। बगल में जाकर के खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के निवेदन कर, हे लंकेश, हे विप्रवर, आपको प्रभु बुला रहे हैं अनुष्ठान के लिए, पूजा के लिए। लेकिन रावण ने एक बार तो आंख खोली, फिर अपनी आंखें बंद कर देखा ही नहीं। फिर हाना की तो बात छोड़िए, दोबारा देखा ही नहीं लखन की तरफ। लखन खड़े खड़े घंटों वहां चिल्लाते रहे, लेकिन रावण ने आंख खोलकर नहीं देखा। आखिरकार जब थक गए लखन कहते कहते, तो वापस आ गए पैर पटकते हुए, और आकर के प्रभु को क्या उल्टी सीधी सुनाई है बस पूछो। झल्ला उठे लखन प्रभु के पास आकर के, किसके पास भेज दिया उसने, अपमान कर दिया मेरा खड़ा होने के बावजूद, वहां ये कह दिया और वो कह दिया, देखा ही नहीं उसने, अरे घंटों खड़ा रहा हुआ मैं। और सारे जितने सुग्रीव आदि थे या जो भी नहीं भेजने में शामिल थे, सभी ने प्रभु को कहना शुरू किया, देखा ना हो गया सम्मान। क्यों? क्योंकि जब इंसान की विपरीत बुद्धि होती है तो दूसरे आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो तो खुद परमात्मा बैठा तो विपरीत बुद्धि करेगा कौन? सबकी सुनी प्रभु ने, लेकिन सबकी सुनने के बाद फिर लखन से पूछा, लखन कहो आपने कही? हां प्रभु मैंने कही। नहीं आए रावण? नहीं आए। कहा अब तुम अपने तरीके से गए थे, अब मेरे तरीके से जाओ। आपके तरीके से? हाँ। क्या तरीका आपका? आप जाओ सीधे यहां से। और रावण के जाते ही पैरों में गिर जाना और जाकर के निवेदन कर, आंख उठा करके बात नहीं करना, आंख झुका के बात कर, खोपड़ी उठा करके बात नहीं करना, खोपड़ी झुका के बात कर, जाओ। और अब भेजा प्रभु राम ने लखन को, और जाकर के सीधा पैरों में गिरा, और पैरों में गिर करके जो निवेदन किया, रावण स्टाक दे खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के सीधा पहुंचा सेतु बंद रामेश्वर, और जाकर के जो भोले बाबा की पूजा की है दिल लगा कर, क्योंकि रावण जैसा पुजारी भूतों ने भविष्य दी मेरे भाई, वो पूजा की। और जब पूजा में डुबकी लगी, प्रभु राम भी खो गए अपने आप, और पूजा होने के बाद आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद जब ले रहे थे तो रावण ने विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया, किसको? राम। इसलिए राम को कहना पड़ा वहीं भरी सभा में, क्या? के विप्र प्रसादात धरणी धरो और विप्र प्रसादात कमलावरो और विप्र प्रसादात श्री राम नाम और विप्र प्रसादात विजयी भवो। इन्हीं के आशीर्वाद से मेरा नाम राम पड़ा, इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं लक्ष्मी का स्वामी बना, और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस धरती के ऊपर आकर मैं विजय को प्राप्त करता हुआ जा। सुना ये आशीर्वाद किसने दिया? किसने दिया? यदि बनती नहीं थी दोनों में,
लेकिन फिर भी आशीर्वाद ले लिया। तुम्हारे अंदर योग्यता हो आशीर्वाद ले लिया। हाँ पात्री तुम्हारा ठीक ना हो और फिर तुम झुके भी रहो तो कोई फायदा नहीं। इसलिए पहले अंदर का पात्र साफ हो। बाहरी पात्र की सफाई को कोई नहीं देखता। इस चटक मटक की दुनिया में तो थोड़ी बहुत वासना दृष्टि के लोग तुम्हें देखते होंगे, लेकिन जो महापुरुष होगा वो अंदर की पात्रता को देखेगा। हाँ सबरी वो गली सड़ी हुई पड़ी थी। हाँ अरने जाने कब के झूठे बेरी इकट्ठे कर रखे थे, वहां पहुंच गए लोग नीच जाति की। हाँ यदि तुम्हारा नमन ठीक है तो उस नमन के लिए तुम्हारे हरियाणा के अंदर ही मारकंडा सहवास केवल मरकंड ऋषि ने मारकंडे जी महाराज को प्रणाम की पद्धति को सिखलाया था। प्रणाम करने का तरीका तद विधि परिणिपाते न, विधि के अनुसार प्रणाम करिए तुम्हारे अंदर बैठा हुआ पाप को खींच लेंगे भगवान। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाम सनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिम परम नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाम सनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम आइए दूसरा प्रणाम मुनि सुखदेव को किया है। यम प्रवर्जन्तम अनुपे तम वेत कृत्यम द्वैपायनो विरहे का तरया जुहावो पुत्रे और भगवान पीछे पीछे भागे पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। जो इनके पिता वो भगवान है। क्या नाम है? व्यास। क्या नाम है? और जो ही पैदा हुए भाग लिए जंगल की ओर और वो भगवान जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने वेदों के विभाग किए, दुनिया से दूर बैठे हैं साम्यापरास क्षेत्र में सरस्वती के तट पर, लेकिन फिर भी एक पुत्र के उस मुख को देखने के लिए ललच और भाग पड़े उस ओर। लेकिन मेरे भाई जरा योगियों का रूप देखिए, आज एक बेटा